हेलो दोस्तों, दिस इज़ करण दिस साइड विद द हैदराबाद टिप्स। बहुत डिमांड थी हैदराबाद का, डालिए डालिए। तो वही है, पढ़ के निकालना थोड़ा घोड़ा टफ रहता है, तो थोड़ा टाइम लग गया। दोस्तों एक और, हाँ करेक्शन, जो भी मेरे हैदराबाद का वीडियो देख रहे हैं ना, तो बॉम्बे के लिए करेक्शन बता देता हूँ मैं कि बॉम्बे में दूसरी रेस में संदेश का घोड़ा विड्रॉन है। तो श्रॉफ का घोड़ा जो मैंने एग्जॉटिक बोला है, और जो मून रिवर है, ये दोनों में से आप देख लीजिए। एग्जॉटिक मेरे को विन के लिए समझ में आ रहा है, घोड़े ने टाइमिंग बहुत अच्छा दिया है, तो मेरे को वो समझ में आ रहा है एक विन के लिए। दोनों में से जो फेवरेट होगा दोस्तों, उस पर लगेगा पैसा। और प्लेस के लिए, हाँ, तो यही दोनों में आप देखिए, मून रिवर और एग्जॉटिक में आप बस देखिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों बॉम्बे के लिए। चलिए अब आते हैं इसमें। पहली रेस में दोस्तों मेरे को बेली स्प्रिंग्स इमरान चिश्ती का घोड़ा मुझे समझ में आ रहा है विन के लिए। बेडफोर्ड के सामने थर्ड भागा है, फेवरेट लग गया था उस दिन, उसके बाद घोड़ा जीत नहीं पाया था, तो ये मेरे को विन के लिए समझ में आ रहा है। प्लेस के लिए दोस्तों मेरे को ये मिस M4 नंबर MT डेविडसन, ये भी घोड़ा बहुत अच्छा है, बस गेट इसका काफ़ी ज़्यादा वाइड दिया है, इसलिए मैं आपको नहीं एडवाइस कर रहा हूँ। 11 नंबर गेट से निकलेगा, थोड़ा पीछे हो जाएगा घोड़ा, अगर नहीं संभाल पाया कुलदीप सिंह तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक ये है, तो 7 नंबर में आपको विन प्लेस के लिए बोल रहा हूँ बेली स्प्रिंग्स, ये आप विन प्लेस लगाइए। दूसरी रेस में आ जाते हैं दोस्तों। दूसरी रेस में दोस्तों एक नया घोड़ा, बच्चा घोड़ा है, छोड़ा गया है ये अपना डुंजी बॉय लोगों ने, लक्ष्मण सिंह का केट। इसका ट्रैक बहुत अच्छा है, ये मुझे विन प्लेस के लिए समझ में आ रहा है। और दूसरा घोड़ा जो मेरे को समझ में आ रहा है वो है रेड स्नैपर प्लेस के लिए। तो आप इसको विन प्लेस लगाइए केट को, और उसको आप सिर्फ प्लेस करिए रेड स्नैपर को। तीसरी रेस में आया था दोस्तों। तीसरी रेस में दोस्तों ये लास्ट टाइम पेंटागन जो था, ये नो वे प्रेस भागा था 2000 मीटर की, जो कि लक्ष्मण सिंह का घोड़ा बियॉन्ड लिमिट्स जीता था वो रेस। तो उसमें ही 5-5 का भाव था। उस दिन भी मैंने आपको बोला था कि विन प्लेस लगाने के लिए उस दिन घोड़ा नहीं हो पाया, उसके से उसी में माइंड रीडर था। माइंड रीडर लास्ट दिन कैसा भागा आपने देख ही लिया, वो मतलब कचड़ा ही घोड़ा हो गया। मैं आपको ये बोलूँगा घोड़ा रेडी है विन मारने के लिए, ड्यू भी है विन मारने के लिए। तो इस, क्योंकि अब देखिए 60 kg में पहुँच चुका, अगर अब नहीं जीतेगा तो इसको डिमोट कर दिया जाएगा। ये ऑलरेडी सेकेंड क्लास से उतर कर आ रहा है घोड़ा, तो इसको इस क्लास में अगर सस्टेन करना है और प्रमोशन में जाना है, तो ये घोड़े को इस वेट में अब चला जाना चाहिए। तो मैं बोलूँगा आप पेंटागन को विन प्लेस लगाइए। और इसमें आप डैंडी मैन इस बार सही अपने वेट में आया है, तो आप इसको सिर्फ प्लेस लगाइए डैंडी मैन को, इमरान चश्ती को। अब आ जाते हैं दोस्तों चौथी रेस। चौथी रेस दोस्तों बड़ी रेस है, मिलियन रेस है। इसमें आपको एक घोड़ा मैं आपको बोलूँगा बेड फोर्ड ट्रेवर का घोड़ा है। ट्रेवर को बॉम्बे नहीं बुलाया गया है, यहाँ पे अपना शाहपुर मिस्त्री मंजरी के लिए चलाने आया है। मंजरी का घोड़ा, एक ही घोड़ा 2 दिन में अपने बैंगलोर में जीत पाया, वो भी इवन मनी में। ये बेडफोर्ड हैंगिंग आउट होकर बहुत अच्छा भागा था दोस्तों, ये बहुत तगड़ा घोड़ा है। उस दिन भी मैंने खेला था, लास्ट टाइम जब ये जीता है तब भी मैंने खेला था। मैं आपको फिर बोलूँगा ये जीतेगा, ये घोड़ा जीत सकता है, आप इसको विन पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, दूसरा इसमें प्लेस के लिए वही मैं बोलूँगा अक्षय कुमार का घोड़ा, क्योंकि अक्षय कुमार मोस्ट प्रॉब्ली दोस्तों फेवरेट रहेगा आई गेस। ये घोड़ा हैंगिंग आउट हुआ था, इसलिए घोड़ा को सेकंड फेवरेट बनाएंगे ये लोग, मुझे पता है। तो आप उसको बेडफोर्ड को विन प्लेस लगाइए, प्लेस भी मिलता तो प्लेस भी दबा के, हाफ मनी भी मिलता तो दबा के प्लेस लगाइए, विन भी लगाइए, घोड़ा जीतना चाहिए, बहुत सही घोड़ा है ये। पांचवी रेस में आया था दोस्तों। पांचवी रेस में दोस्तों मेरे को पसंद है योर्स फॉर एवर विन के लिए, ट्रेवर का डबल, और फ्लेमिंगो फेम सूरज नरेडू प्लेस के लिए दोस्तों। मेरे को उधर योर्स फॉरएवर मेरे को विन के लिए समझ में आ रहा है, ये लास्ट टाइम भी बहुत क्लोज हारा था हर लेगेसी से, ये मुझे विन के लिए समझ में आ रहा है। इस बार ट्रैक बहुत अमेजिंग इसका है, जीत जाएगा दोस्तों। और कोई तो इसमें घोड़ा नहीं दिख रहा है, बड़े बड़े कल राइडर्स पहुँचे होंगे वहाँ पे, दो ही बड़े हैं वैसे अगर देखा जाए तो, सूरज नरेडू और ठाकुर पटेल। तो मैं ये बोलूँगा कि एक और बात आप नोटिस करिए, फ्लेमिंगो फेम भी कल ट्राई में रहेगा। अगर आप देखें सूरज नरेड्डू को असम वन वहाँ चलाने एक्चुअली जाना चाहिए था। एम नरेड्डू का घोड़ा कल असम वन वहाँ पे भाग रहा है, बहुत तगड़ा ट्रैक है, घोड़ा जीतना चाहिए। सूरज नरेड्डू फिर भी यहाँ आया है,
मतलब कि कुछ तो बात है फ्लेमिंगो फेम में कि ये चलाएगा। तो दोस्तों फ्लेमिंगो फेम में आपको मैं गुड करके प्लेस बोल रहा हूँ, योर्स फॉर एवर विन के लिए। लास्ट रेस में आए थे दोस्तों, लास्ट रेस में दोस्तों मुझे पसंद है एक ही घोड़ा, अपोलो। अपोलो नैथन इवेंस के नीचे हैंड्स डाउन जीता था उस दिन, एक्चुअली हैंड्स डाउन बिल्कुल जीता था। ये फिर जीतना चाहिए, मुकेश कुमार एक कोई नया राइडर है, जो भी है, पुराना राइडर है नया राइडर, मुझे इतना आइडिया नहीं है इसका। ये मेरे को लगता है जीत जाना चाहिए, ये छोटा राइडर लगा के जो कर रहे हैं ये लोग, जीत जाना चाहिए। 10 नंबर गेट से निकल रहा, बस एक ही इसका डिमेरिट है, विन प्लेस लगाइए इसको। और प्लेस में आप करिए तो ट्रेवर के घोड़े को, स्पिरिचुअल को, विन मत लगा दीजिएगा ट्रेवर को देख के। मैं ये बार ग्लेंडेल भी मत छूएगा, ग्लेंडेल गधा टाइप घोड़ा भागता है। मैं आपको बोलूँगा सिर्फ आप इस पे कंसंट्रेट करिए, और अगर प्लेस लगाने का मन है तो ये कुलदीप सिंह का देखिए स्टार्ट लेट हो गया, घोड़ा सेकंड भागा है, इसको आप प्लेस कर सकते हैं। घोड़ा पीछे से आ रहा है तब भी आ जा रहा है, और ये रिग भी है, हाँ ये घोड़ा तगड़ा है। मैक्सवेल को आप प्लेस लगाइए, अपोलो को भी इन प्लेस लगाइए। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और मैं जल्दी ही बॉम्बे ऑड्स के साथ आ रहा हूँ, ठीक है। हैदराबाद के भी ऑड्स तो नहीं मिलेंगे क्योंकि हैदराबाद का रेस का, क्योंकि वो छोटा सेंटर पड़ जाता है, बॉम्बे बड़ा सेंटर पड़ जाता है, इसलिए ऑड्स नहीं मिलते हैं। तो मैं जल्दी बताता हूँ इसका। थैंक यू दोस्तों, चलिए कल देखते हैं, ऑल द बेस्ट।